17th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ये आपको एक एपी दे रखी है, इसकी लास्ट टर्म से आपको 20th टर्म बतानी है, यानी इस तरफ ये लास्ट है, फिर सेकंड लास्ट, ऐसे ऐसे पीछे की तरफ से आपको 20th टर्म को जो है ना फाइंड आउट करके आपको बताना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू क्या लिखा है मैंने, द 20th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एपी दिस, यानी इस एपी को मैंने रिवर्स कर दिया। ये जो आपकी एपी है 3, 8, 13, 253, ये जो एपी है आपकी, हमने बतानी कहा यहां से लास्ट, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां से 20th, इसको यहां से करने के बजाय अगर हम इसको ऐसे रिवर्स कर दें, कैसे इसको बना दे फर्स्ट टर्म बना दे, रिवर्स कर दिया और लास्ट में आप क्या आ जाएगा, फिर आपका 13 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। इस एपी को रिवर्स कर दिया। अब रिवर्स करने के बाद इस एपी का, ये जो नई एपी जो आपकी बन गई है, इसकी स्टार्टिंग से जो 20th टर्म होगी यहाँ से, वो इस एपी की लास्ट से क्या होगी, 20th टर्म होगी। बस इस बात को समझ ली, फिर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो यहां मैंने लिखा है कि या तो इस एपी के पीछे से 20वीं टर्म, या रिवर्स करने के बाद, इसको रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने के बाद इस एपी से स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म, द 20th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस एपी, इस एपी का, और इस एपी को मैंने कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, दोबारा से लिख दिया 253, दिस दिस एंड दिस। अब यहां पे ए इज इक्वल टू क्या आपका 253, डी, डी कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस, को जरूरी नहीं हम शुरू में से ही माइनस करें, वहां भी कर सकते हैं, यहां से कर रहा हूं, देखिए नेक्स्ट में से पहले वाली माइनस करनी, जैसे 3 में से 8, या 8 में से 13, या उससे पहले वाली, तो या 3 में से 8 माइनस करेंगे क्या जाएगा आपका -5, डी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। बतानी कौन सी, 20th टर्म। अब इस एपी की तो स्टार्टिंग से, इस एपी की तो स्टार्टिंग से बतानी है, तो A20 इज इक्वल टू A+19D, और A20 इज इक्वल टू A+19, और D हमने कितना फाइंड आउट किया, -5। चलो यहाँ लिख देनी थी, अब लिख देते हैं, A क्या आपका 253 है, और ये 19 5 95, और A20 इज इक्वल टू 253 में से 95 जो आप माइनस करोगे तो क्या जाएगा आपका 158। बस यही आंसर हो जाएगा इसका। चाहे तो ये कह दो कि इस एपी की स्टार्टिंग से ये 20वीं टर्म है, या ये कह दिए कि उस एपी के बैक साइड से क्या है 20वीं टर्म है, और इस ढंग से आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। इतना ही है बस। ये